उपचुनाव के हड्डा हड्डी लड़ाई में तीनों विधानसभा केंद्रों में जैसे भवानीपुर, जंगीपुर, शमशेरगंज में टीएमसी की जीत हुई है। भवानीपुर में ममता बनर्जी का ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत हुई है। इस जीत के बारे में आइए सुनते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी एंड टीएमसी कॉल कमेटी के मेंबर सुनील सरकार ने क्या कहा। अभी हम लोगों के साथ मौजूद है टीएमसी कोर्ट कमेटी के मेंबर सुनील सरकार। बंगाल में आज जो उपचुनाव के नतीजे हैं, आइए इस बारे में उनसे बात करते हैं। भवानीपुर उपचुनाव में जो ममता बनर्जी ने भारी मतों से जीत दर्ज की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे बड़ा देश का जो पब्लिक है उसको नमस्कार करूंगा। दीदी का नेतृत्व में वोट दिया सारे मीडिया को नमस्कार करूंगा। मैं जो बंगाल का जो पब्लिक, बंगाल का पब्लिक जो ममता दीदी को वोट दिया है, ये सबसे बड़ा ममता दीदी का जीत है, पब्लिक का जीत है, बंगाल का जीत है। सारे वर्ल्ड में तीन भाई इलेक्शन के लिए देखा है, जो जिस तरीके से इलेक्शन हम लोग किया, पीसफुली इलेक्शन किया है, सारे वर्ल्ड ने देख रहा है ममता दी कितना वोट में जीत रहा है। जो पहला पीछे बिले इलेक्शन में लड़ा था उसको डबल वोट में जीता है। जो सबसे आपका जंगीपुर में लास्ट इलेक्शन में छब्बीस हज़ार था, वो 92,000 हुआ है। शमशेरगंज में 8,000 था, वो शमशेरगंज में 26,000 हुआ है। बाकी जो चार इलेक्शन अभी भी बाकी है उसमें भी हम लोग चारों जीतेगा। आगामी दिन जो कोई भी फ्यूचर में जो देश में आने वाला है, देश का प्रधानमंत्री ममता दी को देखेगा। हम लोग का जो सारे जो पब्लिक का जो अभी जो आ रहा है, जो वोट दिया है साधारण पब्लिक ममता दी को देखे वोट दिया है, क्या कारण के लिए वोट दिया है। और डीजल का दाम हो गया 93 रुपीज़, पेट्रोल हो गया 103, लाल हो गया 150 रुपया, सरसों का तेल 200 रुपया। पब्लिक किधर जाएगा? साधारण पब्लिक का तो ही नहीं है। परिसर श्रमिक पर 13,62,00,000 बेकार हो गई है 2 साल में। मैं जो कंपनी में सर्वे में जो ऑल इंडिया फेडरेशन का जान सीट हूँ, मेरा इधर से 35,000 वर्कर छटाई हुआ। कंपनी गवर्नमेंट काम नहीं दे रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सारे कंपनी को ख़त्म कर दिया मोदी सरकार ने। टेलीफोन बिक्री कर दिया, पोस्ट ऑफिस बिक्री कर, रेल बिक्री कर दिया, अभी कौन सा बिक्री करेगा कोई भी ठिकाना नहीं है। जो आर्बिटेशन का जो ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, भवानीपुर के हर वार्ड में लीड से जीत विजय हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, भवानीपुर में जो जीता है ममता दी रिकॉर्ड तोड़ा है, मैं सबसे बड़ा तारीफ करूंगा ममता दी, अभिषेक बनर्जी बबीधा को। प्रयाग हकीम साहब ने बहुत मेहनत किया, सारे लीडर ने अभिषेक बनर्जी घर घर में किया, ममता दी घर घर में किया, सारे जो घर घर में किया, हम लोग का पार्टी का लीडर जो पब्लिक वोट दिया, मैं इसके लिए पब्लिक को धन्यवाद दूंगा, नमस्कार करूंगा। सारे बंगाल का पब्लिक, सारे एडमिशन हम लोग का बंगाल में बहुत से अच्छा एडमिशन है। बंगाल का आपके एडमिशन वॉल में किधर भी मिलेगा नहीं। मैं बंगाल का एडमिशन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, एडमिशन को धन्यवाद दूंगा, इलेक्शन कमीशनर को धन्यवाद दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने जो पीसफुल इलेक्शन किया है, इसके लिए सारे मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा मैं। प्रियंका टिग्रेवाल ने एक अभियोग लगाया, कहा है कि इलेक्शन में वोट देने नहीं दिया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं। देखिए, गलत है। जो कोई उठान में नाच नहीं आता नहीं, वो बोला नाच रहा हूँ। इधर पीसफुली इलेक्शन हुआ है, कोई हुआ नहीं, हम लोग को सबको फ्री हैंड छोड़ दिया, जो जिधर जाओ वोट करो। बट इधर जो कलकत्ता में जो वोट हुआ, पीसफुली इलेक्शन हुआ है, पीसफुली इलेक्शन 57% वोट हुआ, सारे वोटर वोट दिया, साधारण पब्लिक वोट दिया। 79% वोट हुआ जंगीपुर में, 69% वोट हो गया शमशेरगंज में। ये जो वोट हुआ है, पब्लिक ममता दी को वोट देकर, अभिषेक बनर्जी प्रयाग हकीम साहब को येलो का देकर वोट दिया। सारे जो लीडर हम लोग को जंगीपुर में साइनी गया था, राज चक्रवर्ती गया था और सोहन चक्रवर्ती गया था, ये लोग वोट प्रचार करके आया। सारे में मैं भी प्रचार में था, मैं भी जंगीपुर दायित्व में था। पब्लिक को ममता दी तो देख के वोट दिया है, अभिषेक को देखे वोट दिया, प्रयाग हकीम साहब को देखे वोट दिया। दल चेंज फिर से शुरू हो गया है, अब तो बंगाल छोड़कर के बाहर से भी दल चेंज करके आने लगे। हाल ही में गोवा के प्राक्तन मुख्यमंत्री आए, अभी सुनने मिल रहा है कि उत्तराखंड के जो प्राक्तन मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, वो कुछ एमएलए के साथ में टीएमसी ज्वाइन करने वाले हैं। क्या कहें? हम लोग तो पहला तो त्रिपुरा जीतेगा, त्रिपुरा 2023 में आए, 22 में यूपी आई, यूपी में भी टिकट दे रहा दीदी, उत्तराखंड में भी टिकट दे रहा है। मतलब ममता दी अपन देश का सेकेंड लीडर अभी है, देश का अभी जो प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट 24 में बनने वाला है, ममता दी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सारे दल में कोई जो नहीं, विपक्ष में एक ही आदमी है ममता दी। ममता दी को डर रहा है अभी मोदी साहब ने आज जो रिजल्ट देखने के बाद, मेरे को लगता है
अमित शाह को पद त्याग करना चाहिए, स्वराष्ट्र मंत्री को पद त्याग करना चाहिए। ये जो आज रिजल्ट हुआ है, आगामी दिन फ्यूचर कोई भी गरीब के लिए ये आएगा नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट जब तक हटेगा नहीं, गरीब के लिए कोई भी चीज नहीं है। गरीब के लिए माँ बाप है, भगवान है, अल्लाह है, ममता दी। आगामी दिन जो है विरोधी दल सब इकट्ठा होकर ममता दी के साथ रहेगा, तो मोदी भागो देश हटो यही हम लोग का स्लोगन रहेगा। खेला होगा, खेला हमें खेला, बड़ा खेला होगा, उसमें ममता दी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, यही खेला होगा। नहीं, लोगों को हेलो धन्यवाद दूंगा। लोग जो अभी ममता दी को चुना है, डबल वोट में चुना है, जो भी तीन बाई इलेक्शन हुआ तीनों में हम लोग 3-0 में जीता। आगामी तो 4 इलेक्शन है, वो भी 4-0 में हम लोग जीतने वाला है।